पद संख्या 68। शिभाई जी बाबा की केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओ केवल तुम्हें अर्पण करने जको चरणों में बैठूं हो निश्चिंत विभो। अर्पण कर निज को अर्पण कर निज को निश्चिंत विभो। अर्पण कर निज को चरणों प्रभो, एक बस तुम ही मेरे हो सर्वस्व सर्व सुख सार। प्रभो एक बसा तुम ही मेरे हो सर्वस्व सर्व सुख सार। प्राणों के तुम प्राण आत्मा के आधे आधार, प्राणों के तुम आधे आधार। भला बुरा सुख दुख शुभा शुभ मैं न जानता कुछ भी ना। जानो तुम ही करो तुम सब ही रहो निरंतर मेरे साथ। जानो तुम ही करो तुम सब ही रहो निरंतर। भूलूं नहीं कभी तुमको मैं, स्मृति ही हो बस जीवन सार। भूलूं नहीं कभी तुमको मैं, स्मृति ही हो बस जीवन सार। कभी दूसरे भाव विचार आए नहीं चित्त मन में, कभी दूसरे भाव विचार। एकमात्र तुम बसे रहो नित सारे हृदय देश को छे। एकमात्र एक प्रार्थना इह पर में तुम बने रहो
नित संगी श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। पहले पूज्य बाबूजी का एक विचार, उसके बाद अपने विनीत भैया जी से सुनेंगे। पहले बाबूजी का कुछ विचार, कल वाली जो बात रह गई थी वो पूरी। पूज्य भाई जी कहते हैं, पुस्तक का नाम भगवन नाम चिंतन। श्री भगवान पर विश्वास करके उनका नाम जप करना चाहिए और उनकी कृपा पर भरोसा करके अपने को सर्वतोभाव से उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा न हो सके तो भी नाम जप करना चाहिए। ऐसा न हो सके तो भी नाम जप करना चाहिए। जैसा भाव हो उसी से कल्याण होगा, आंशिक कृपा के दर्शन होंगे और सांसारिक वासनाएं किसी अंश में पूर्ण होंगी। परंतु इसमें घाटा यही रह जाएगा कि शीघ्र ही भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान को याद रखने का उपदेश घंटे दो घंटे या अधिक नियमित काल के लिए नाम जप की आज्ञा इतनी संख्या पूरी करने पर सिद्ध हो जाएगी। इस लोभ से संख्या युक्त जप
या संख्या की गणना से जप हो जाता है, अदरवाइज भूल रह जाना संभव है। इसलिए संख्या की अवधि बांधकर जप करना चाहिए। यह आदेश तो उन आरंभिक साधकों के लिए हैं जो भगवान के प्रेमी नहीं हैं। न करने की अपेक्षा ऐसा करना बहुत उत्तम है। प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद का नाम इतना प्यारा लगता है कि स्वयं तो वे उसे कभी भूल ही नहीं सकते, दूसरे को कभी भूले भटके उच्चारण करते सुन लेते हैं तो उसकी चरण धूलि लेने दौड़ते हैं। श्री भगवान के नाम का जप जैसे बने वैसे ही करते रहिए। करते करते नाम के प्रताप से विश्वास बढ़ेगा। न घबराइए न हार मानिए। बाबूजी कहते हैं, मैं तो एक श्री भगवान नाम को जानता हूँ बस। बाबूजी कहते हैं, मैं तो सिर्फ एक भगवान नाम को जानता हूँ, उसका पूरा महत्व तो नहीं जानता, परंतु विश्वास है कि भगवान नाम से सब कुछ हो सकता है और आपको भी उसी का आश्रय लेने की नम्र सलाह देता हूँ। उपदेश देने का तो मैं अधिकारी नहीं हूँ, सलाह के तौर पर यही कह सकता हूँ कि आलस्य, असंयम और अविश्वास का त्याग करके श्री भगवान का नाम जप करना चाहिए तथा नाम जप करते हुए ही भगवत सेवा के भाव से कर्तव्य कर्म करने की आदत डालनी चाहिए। सीधे तीन काम, बाबूजी कहते हैं सीधे तीन काम कीजिए। पहला भगवान का नाम जप, दूसरा बाहरी पापों का बिल्कुल त्याग और तीसरा भगवान की दया पर विश्वास। बाहरी पापों का बिल्कुल त्याग, तीसरा भगवान की दया पर विश्वास, इनसे सारी बातें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इनमें भी तीन ना हो तो दो करें, इन तीन बातों में भी तीनों ना हो सके तो दो करें, नहीं तो कम से कम एक भगवान नाम का जप स्मरण निरंतर करते रहने की कोशिश करनी चाहिए। बाबूजी कहाँ तक आ गया, तीनों ना हो तो दो करो, दो ना हो तो बस जीभ से नाम जप तो निरंतर होता रहे। कलयुग में केवल क्रिया से तारने वाला महान फल देने वाला भगवान नाम ही है और सारे साधनों में भाव की आवश्यकता है। नाम भाव से कुभाव से कैसे भी लिया जाए कल्याणकारी ही है। अवश्य ही भाव का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। प्रत्येक क्रिया में जहाँ तक हो ऊंचे से ऊंचा भाव करें। पूरी विधि तथा बाहरी क्रिया तीनों का ही ख्याल रखकर तीनों ही करते रहना चाहिए। हारे को हरि नाम, श्री भगवान का नाम जप करते रहिए और कम से कम यह दृढ़ चेष्टा रखिए जिसमें वाणी और शरीर से कोई पाप न हो। मानसिक पापों से बचने की यथासाध्य कोशिश कीजिए। नाम का आश्रय होगा तो पाप अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। एक उपाय बहुत उत्तम है, बाबूजी कहते हैं एक उपाय बहुत उत्तम है, प्रतिज्ञा कर लीजिए। प्रतिज्ञा कर लीजिए लगातार नाम जप की। नाम जप का तार यदि जागृत अवस्था में कभी नहीं टूटेगा तो निश्चय ही सब पाप मर जाएंगे। यह महात्माओं का अनुभूत सरल प्रयोग है। रही मेरे बल देने की बात, बाबूजी कहते हैं रही मेरे बल देने की बात, सो मेरे पास एक ही बल है, हारे को हरि नाम। और आपसे भी यही कहता हूँ, उसका आश्रय लीजिए, सारे पाप तापों से छुड़ाने में वह पूर्ण समर्थ है, वह पूर्ण समर्थ है। आज एक प्रसंग सुन रहा था, महाराज जी सुना रहे थे पूज्य मलुक पीर सरकार, अपने पूज्य भैया ने भी कई बार बताया है, 100 में से एक भी नहीं बचा और 5 में से एक भी नहीं मरा, किसका आश्रय लोगे। एक प्रसंग उन्होंने सुनाया कि द्रौपदी मैया का चीर हरण हो रहा था, उस समय द्रौपदी जी ने सबकी तरफ देखा, बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े भक्त,
उस सभा में बैठे हुए थे। पांचों पांडव थे, भीष्म पितामह जी थे, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जी महाराज, विदुर जी, धृतराष्ट्र और भी बहुत से लोग थे सभा के भीतर। द्रौपदी जी ने सबकी तरफ देखा, पांचों पांडवों की तरफ देखा, गर्दन झुका ली। भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी सबकी तरफ देख रही थी। तो उन्होंने सोचा, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये, महाराज जी का तो कंठ भर आया ऐसे बताते हुए। सबकी तरफ देख रही है, कोई सहायता के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे अंत में कृपाचार्य जी की तरफ देखा। तो जब कृपाचार्य जी की तरफ देखा तो महाराज जी कहने लगे, ऐसा क्यों किया द्रौपदी ने? उन्होंने इसलिए किया कि एक तो वो आचार्य हैं, ऊपर से कृपाचार्य हैं, तो कृपा करना उनका काम है, तो कुछ तो कृपा करें। तो जैसे ही कृपाचार्य जी की तरफ देखा तो कृपाचार्य जी ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ उंगली ऊपर की तरफ कर दी। तो महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पे, मन जब निर्मल होता है ना तो वहाँ शब्द भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, इशारे से बात समझ में आ जाती है। द्रौपदी जी का चित्त इतना निर्मल है, इतनी भक्त हृदय है कि उनको सिर्फ इशारा किया कृपाचार्य जी ने कि एक भगवान की शरण लो, सिर्फ एक उंगली ऊपर की तरफ करी थी और द्रौपदी जी ने तत्काल भगवान को पुकारा, हे कृष्ण द्वारिका वासिन गोप गोपी जन प्रिय, ऐसी बात बोली और तत्काल भगवान ने आश्रय प्रदान किया। बड़ा सुंदर वहाँ पे कहा कि भगवान द्वारिका होकर के आए, भगवान तो वहीं मौजूद थे पर भक्त की बात रखने के लिए वहाँ होकर आके आए। अच्छा, वहाँ भी भगवान भी चौसर खेल रहे थे रुक्मणी जी के साथ। मुलुकपीठ सरकार कह रहे वहां भगवान भी चौसर खेल रहे, कह रहे मेरे भक्त खेल रहे तो मैं भी खेल लूंगा। तो जैसे ये बात पता चली द्रौपदी जी ने पुकारा तो भगवान गंभीर हो गए, भगवान थोड़े से आवेश में आए और भगवान ने कहा, मेरी भक्ता का ऐसा अपमान हो रहा है तो मैं पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर दूंगा। तत्काल रुक्मणी जी ने रोका, कहा कि प्रभु ऐसा मत कीजिए, पूरे ब्रह्मांड में तो बहुत भक्त हैं, आप एक भक्त के लिए सभी भक्तों को सब कुछ खत्म कर दोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं हस्तिनापुर को खत्म कर दूंगा। तो रुक्मणी जी ने कहा, हस्तिनापुर में भी तो आपके बहुत भक्त हैं, हस्तिनापुर में क्या कम भक्त हैं आपके? तो ऐसा ना कीजिए। तो भगवान ने कहा, मैं सभा को उड़ा दूंगा, सभा खत्म कर दूंगा। तो कहा, प्रभु सभा में आपके भक्त भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, काका सब मौजूद है, वहां कृपाचार्य जी हैं और आपके पांचों प्रिय पांडव मौजूद हैं। अच्छा, भीम से भगवान बहुत प्रसन्न थे, भीम जी से भगवान बहुत प्रसन्न थे, अर्जुन से भी ज्यादा, अर्जुन जी सखे हैं, सखा हैं, फिर भी भीम से बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि भीम प्रतिकार करते हैं हर गलत बात का। पूरी सभा में एकदम बिछ गए भीम जी, उन्होंने कहा कि ये भी कह दिया युधिष्ठिर जी महाराज से, इतना तक कह दिया, जिन हाथों ने द्रौपदी जी को दांव पे लगाया मैं उन्हें जला डालूंगा, चाहे मुझे कितना ही अपराध लग जाए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भगवान ने वरदान दिया, जो भीम का नाम लेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान बड़े प्रसन्न थे उनसे। तो भगवान से रुक्मणी जी ने कहा, आपके प्रिय पांचों पांडव हैं वहां पर, और तो और आपके प्रिय अर्जुन वहां मौजूद हैं, तो ऐसा ना कीजिए, सभा को भी छोड़। तो भगवान ने कहा, क्या करें? कह रहे, भक्ता की रक्षा कीजिए बस। तब भगवान ने क्या किया, द्रौपदी जी की साड़ी बन गई, नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी। और भैया पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे, पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने कहा कि भैया ऐसा प्रेम करने वाला कहाँ मिलेगा जो ये भी नहीं देखता कि वो उस समय द्रौपदी जी रजस्वला स्थिति में थी और उनके कटी से नीचे का वस्त्र बन गए प्रभु। ऐसा प्रेम करने वाले भगवान कहाँ मिलेंगे, ऐसा प्रेम करने वाले भगवान नहीं मिल सकते। कि ऐसे प्रभु जान न दीजे हूं
ऐसे प्रभु जान न दीजे हूँ। ऐसे प्रभु जान न दीजे हूँ। ऐसे प्रभु जान न दीजे राधा 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 गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया 100 में से एक भी नहीं बचा और 5 में से एक भी नहीं, किसका आश्रय लोगे? तो एक भगवान का ही सहारा है और किसी का सहारा नहीं। अब अपने विनीत भैया से कुछ सुनते हैं। कल वाले पूरे नहीं हो गई बात पूरी, नहीं कल वाली बात देखो। हमारे पूज्य विनीत भैया कुछ पढ़ के सुनाएंगे आपको और अच्छे अच्छे से कुछ बात बताएंगे। हरि बोल, आइए। हरी बोल, पीछे ध्यान से सुनेंगे भैया। कल जो बात हो रही थी कि अपने में विश्वास वैसा नहीं है, और भरोसा बहुत है। सारा प्रसंग आज इसी पे है, और भरोसा बहुत है, और इसमें जीव का ही नुकसान है, सबसे बड़ी हानि। दूसरी जगह भरोसा करने से, इतने जन्मों से यही करते आ रहे हैं, भरोसा निभाने वाले और प्रेम निभाने वाले यही हैं। मैं तो क्या ही कह सकता हूँ, क्योंकि मैं कल भी आपसे निवेदन कर रहा था कि अंगद भैया जी जब कहते हैं तो फिर उसके बाद अभी ये मुझे कंबल दिया गया
रखने के लिए, तो मेरा मन आ रहा था कि पूरा सिर से लेके पैर तक ओढ़ के बैठ जाऊँ। बहुत यहाँ बोलने में संकोच होता है रामकृष्ण में, सच में बहुत ज़्यादा। भैया के आश्रय में आप लोग मौज मार रहे हैं सच में। हर दिन और उजला है और हर रात और चमकीली है। बड़ा लाभ है, बड़ा लाभ ले रहे हैं। बात तो बस भरोसे की है। वहां पर गंगा जी के तट पर मैं निवेदन कर रहा था, पूज्य श्री कहा करते हैं कि जिसके पास अनुभव नहीं है उसका कथन असत कथन है। तो मेरे पास मेरा अनुभव तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, किसी का अनुभव बांट रहा हूँ। तो वो सज्जन जो वहां गंगा जी के तट पर बैठे हुए थे, तो मैं संध्या के लिए सुबह का समय था, मैं वहां गया, क्योंकि वहां ऐसा नियम रहता है कि पहले कमरे पे स्नान आदि करके फिर जाओ गंगा जी पर, तो और देरी लग जाती है। तो जब तक मैं वहां पहुंचा तो उनका तो शायद संध्या वगैरह हो चुका था, वो गंगा जी से बैठे कुछ बात कर रहे थे। तो कल इतनी चर्चा तो हो गई थी अपनी कि उनका पत्नी का देहांत हो गया था। कल मैं एक बात कहना बीच में भूल गया था, क्योंकि वैसे ही बोलते समय मेरे इधर से पसीना निकल रहा होता। उनकी माता जी श्री वृंदावन में रहती थी और उनके ये तीन पुत्र थे, जिनमें से ये मझले वाले जिनसे मेरी वार्तालाप हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा विधान है कि मझला अग्नि संस्कार मतलब माता पिता को दाह नहीं करता है। तो बोले लेकिन मेरे माता जी श्री वृंदावन में रहती थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया या किसी से करवाया और कहा कि बेटा 4 दिन बाद मैं चली जाऊंगी, तुम अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो, तुम अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो, क्योंकि 4 दिन बाद मैंने जाना है। तो बोले मैंने कहा कि मैया तुम क्या कह रही हो, तो बोले नहीं मैं सच कह रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा अंतिम संस्कार तुम ही करो और श्री वृंदावन में ही करना, और यहाँ श्री सीताराम जी का जो मंदिर है मैं वहीं देह का त्याग करूँगी। तो बोले मैंने समझा कि माँ भाव में है ऐसे कुछ कह रही। तो उन्होंने फिर मुझे दोबारा फ़ोन किया और कहा कि बेटा छुट्टी ले लेना। तो बोले मैंने भी उर प्रेरक रघुवंश विभूषण है ना, मैंने भी छुट्टी ले ली और 4 दिन बाद वहाँ से सूचना आ गई कि वहाँ श्री सीताराम जी का मंदिर है और वहाँ पे आपकी माता जी ने मंदिर में कीर्तन में अपना देह त्याग कर दिया। तो बोले फिर मैं वहाँ पहुँचा और जा कर के उनका अंतिम संस्कार वहीं पर किया। तो बोले फिर मैं तो यहीं ऋषिकेश में ही रहता था और मेरे बेटे का विवाह हो चुका था, बेटी का विवाह होना था। तो बोले कि जो परिवार के दूसरे मेरे भाई हैं उन्होंने बेटी का ब्याह कहीं निश्चित कर दिया और मुझे सूचना दे दी कि बेटी का ब्याह आपका निश्चित कर दिया और बारात ऋषिकेश आएगी आपके पास। तो बोले मैं तो घबरा गया, अपने पास तो कुछ भी नहीं है कैसे होगा। तो बोले मैं भाग के गंगा जी के पास आया और मैंने गंगा जल हाथ में लिया और कहा माँ मेरे पास इस समय केवल 500 रुपये है अकाउंट में, मेरे पास केवल 500 रुपये, या अकाउंट में है या हाथ में है जैसे, कि मेरे पास केवल 500 रुपये हैं। अब बेटी की बारात आने वाली है सो तुम जानो, मैं कुछ नहीं जानता। बोले स्वामी जी का नाम लेके हमने गंगा जी में जल छोड़ दिया और बोले 3 नंबर घाट की बात है, संत घाट वहाँ पर है। बोले मैं वहाँ से चढ़ कर के गीता भवन 3 नंबर के अंदर प्रवेश करने लगा तो मुझे श्री राधेश्याम खेमका जी जो संपादक थे इससे पहले, तो वो मिल गए आगे से आते हुए। तो उन्हें भी सूचना मिल गई थी कि पंडित जी की बेटी का विवाह निश्चित हो गया। तो
तो बोले मेरे को अंदर जाते समय वो बाहर आ रहे थे, मैं अंदर जा रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा पंडित जी क्यों बेटी का ब्याह पक्का हो गया? तो बोले मैंने कहा हाँ जी आपको पता ही है। तो बोले गहना वाराणसी से आएगा, आप चिंता मत करना। तो बोले मैंने पहले उनको देखा फिर गंगा जी की ओर देखा और फिर मैं अंदर चला। बोले जैसे मैं अंदर चला ऋषिकेश में कोई संजय होटल वाले हैं, मैं तो नहीं जानता खैर, तो बोले कि वो होटल वाला मेरे पास आया, सामने से आ रहा था और मुझे बोलता है पंडित जी हमने सोना बेटी का ब्याह है और बारात यहाँ आ रही, हमारे होटल में ठहरेगी, है ना, खाने का पीने का रहने का सब हमारे यहाँ होगा। तो बोले मैं और आगे गया, कमरे में नहीं पहुँचा तो वहाँ का अच्छे अच्छे मारवाड़ी समाज के लोग वहाँ रहते हैं, वो हमारे पास आए और बोले बेटी का गहना कपड़ा और सब हम करेंगे, पंडित जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बोले कमरे में पहुंचने से पहले सारा प्रबंध, और बोले फिर 40 जन बारात में आए थे और उनको आगे देखने वाले 80 जन थे, 60 जन थे, पहले एक एक आदमी पे डेढ़ डेढ़ जना, दो दो जना, है ना, और बेटी का ब्याह हो गया और कपड़ों से ज्यादा उसको सोना मिला, मारवाड़ी समाज ने इतना सोना दिया। बोले उसके बाद ब्याह करके वो तो चली गई और 500 रुपया हमारी जेब में ही रह गया, 500 रुपया हमारा जेब में ही रह गया, है ना। भले फिर बीच में ऐसी घटना हो गई कि यहाँ रहना हमारा थोड़ा संभव नहीं था, तो बोले हम फिर गंगा जी के पास चले गए। हमने कहा मैया हम आपका तट छोड़ के जाना नहीं चाहते, परंतु अब यहाँ रहने में थोड़ी असुविधा हो रही है। तो बोले यहाँ हरियाणा में कोई सज्जन है, उनके वहाँ पेट्रोल पंप वगैरह हैं, तो वो अचानक हमारे पास आए और बोले पंडित जी यहाँ पर अपना गीता भवन 3 नंबर के पीछे वाला जो गेट है जहाँ डॉक्टर माँ रहती थी ना, उनके साथ ही आराधना स्थल है, है ना, कभी मैं ऊपर गया तो, लेकिन सीढ़ी उसकी दिखती है आराधना स्थल। बोले कि वहाँ पर उनका एक फ्लैट है 1.5 करोड़ रुपये, तो उसकी चाबियाँ हमें दे गए। बोले जब तक आप जीवित हैं ये फ्लैट आपका ही, वो आज भी वहीं रह रहे हैं, वो आज भी वहीं रह रहे हैं। बोले कि ये फ्लैट अब हमारा है, हम इसमें रहते हैं। बोले हमें यहाँ से ऋषिकेश में जाना पड़ता है किसी काम से, माने स्वर्ग आश्रम से गंगा जी के उस पार, तो बोले हमें आने जाने में दिक्कत होती थी, तो हमने गंगा जी से को देखा, तो वो एक आदमी अपनी स्कूटी दे गया उन्हें। बोले महाराज जी हमें लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है, आप स्कूटी रख लो। बोले हम स्कूटी पे जाते हैं, स्कूटी पे आते हैं, है ना। और बोले आप सोचते होंगे कि हमारा खर्चा कैसे चलता होगा, हा? बोले कि यहाँ गीता भवन में जो लोग आते हैं वो हमसे कथा करवा लेते हैं, भागवत जी की कथा वो करते हैं। बोले 350 कथा मैं कर चुका हूँ और कथा में से मैंने 1 रुपया अपने के लिए नहीं रखा, जो भी पैसा आता है ना वो सारा का सारा गौशाला में देते हैं, सारे का सारा पैसा गौशाला में देते हैं। और बोले एक समय मैं दलिया खाता हूँ, एक समय दूध पीता हूँ, और दूध गौशाला से आता है और दलिया कोई देहरादून में उनके जजमान है, वो उनका ऑर्गेनिक फार्म है वहाँ पर, तो वहाँ से दलिया आता है, तो बोले उसकी भी हमें ज़रूरत है। तो दलिया भी आता है, दूध भी आता है, फ्लैट भी है, स्कूटी भी है। जिस दिन मैं वापस आ रहा था ऋषिकेश से तो मुझे तेज़ी से जाते हुए कहीं मिले, मैंने कहा महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? बोले कि अभी मैं बैंक गया था तो हमारे बैंक में किसी ने 70,000 रुपया डाल दिया है, और हमें संकट में आ गए हम, अब तो हम बैंक गए थे, हमने कहा इसको निकालो गौशाला में दो, तो बोले वो बोले कि इसके लिए वो पैन कार्ड लगता है और वो चेक बुक लानी पड़ेगी, तो बोले बैंक बंद ना हो जाए आज के आज पैसा निकालना है। तो वो बेचारे इतनी जल्दी में थे, हड़बड़ी में, कि 70,000 की मुसीबत मेरे गले पड़ गई है तो इसको निकालो। तो फिर अच्छा ऐसी कृपा है ना, और फिर गंगा जी के तट पर बैठे हुए सब बता रहे थे और फिर रोने लगे अचानक से बोलते बोलते, तो कहते इतना सामग्री समय अनुकूलता हमें दी है इन्होंने, गंगा जी की ओर करके इन्होंने दी, अब अगर हम अब भी भजन नहीं करेंगे तो मूसलों से कूटा जाएगा, है ना। बोले अब मूसलों से कूटा जाएगा, है ना। तो बोले कि ये गलती मत करना, आप भी गलती मत करना, किसी और का आश्रय रखोगे तो वैसी चीज़ कभी नहीं मिलेगी, आश्रय रखो तो भगवान का रखो, है ना,
बोले अब देखो मौज से रहते, मौज से रहते। स्वामी जी ने कहा था एक बार, है ना, मौज मार रहे लेकिन ये वाली कब तक, है ना। फिर उसके बाद बोले हमारा जीवन बदल गया, है ना। और बोले कि इतनी घटनाएं उन्होंने सुनाई, अब तो मुझे कुछ भूल भी गई, बुढ़ापे का असर है। तो एक बात उन्होंने बताई, बोले एक बार हमारे एक यजमान थे, उन्होंने हमसे डेढ़ कथा करवाई। मैंने कहा डेढ़ कथा कैसी होती है, दो कथा होती है, एक कथा होती है, डेढ़ कैसे होती है। बोले ऐसा है कि उन्होंने हमसे एक कथा करवाई यहाँ गीता भवन में, फिर उन्होंने अपने जहाँ उनका निवास था, अब क्षेत्र का नाम मुझे याद नहीं हुआ, तो बोले कि वहाँ बहुत अच्छा पंडाल लगाया गया, सब व्यवस्था हुई, तो हम वहाँ गए। लेकिन उनके जो परिवार के जन थे वो श्रद्धालु नहीं थे, तो लेकिन वो बड़े श्रद्धालु थे। बोले 80 वर्ष उनकी आयु थी, और कथा जैसे 7 दिन की होती है, तो उन्होंने 3 दिन का ही वो जो भोजन की व्यवस्था और वो रहता है ना सब, तो प्रसादम की व्यवस्था सिर्फ 3 दिन की रखी थी। तो बोले हमने यजमान से पूछा कि 3 दिन की व्यवस्था, बोले पंडित जी इतनी ज़रूरत है। क्या बात है, कितनी ज़रूरत है, है ना। बोले हम व्यासपीठ पर बैठे, वो आए, शालिग्राम जी का पूजन हुआ, और उन्होंने भागवत जी की आरती की, और व्यासपीठ पे जैसे ही सिर रखा उसके बाद उठाया ही, वहीं पर तुलसी जी के बिरवे के नीचे और गले में माला लेकर के, और उसी समय प्राण छोड़ दिया। वो 18 तारीख थी उस दिन, 3 दिन थे। बोले 3 दिन की कथा हम सुन पाएंगे, समय नहीं, आपने देर, उन्होंने कथा पहले रखी थी लेकिन परिवार वाले जनों ने भी छुट्टी नहीं, आगे करो आगे करो करके उनके दिन निकाल दिए। तो बोले हमारे पास अब 3 ही दिन है। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे पास 3 दिन है, बोले इतनी की व्यवस्था है, उसके बाद आगे के घर वाले जानेंगे। तो बोले उन्होंने वहीं प्राण छोड़ दिए। तो भगवान का आश्रय लेकर के चलने वाले के लिए सब मार्ग अनुकूल हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज क्या करते हैं, श्री सनानंद जी महाराज क्या करते हैं, अगर तुम इनके शरणागत हो जाओगे, है ना, तो सिंह तुम्हें अपनी गोद में लेके दुलारेगा, और दसों दिशाएं तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाएंगी। तो ऐसा अपने को, आपके लिए तो क्या ही कहें भैया, क्षमा चाहते हैं, है ना, परंतु आप सबके चरणों में प्रार्थना है कि इस अवसर का हम सब मिलके लाभ उठाएं। हम में से कोई पीछे रहता हो तो हाथ पकड़ पकड़ के उसे आगे ले जाएं, किसी को पीछे न रहने दो, है ना। इससे इनको बड़ी प्रसन्नता है, इसको हमारे पूज्य श्री को प्रसन्नता है, ना, इसी में लाभ है। वहाँ अकेले क्या करेंगे, अब अंगद जी वहाँ हों और सुनने वाले हम लोग न हों तो क्या ही मजा, फिर हमें सताएगा कौन। तो इसलिए हमारी भी वहाँ मौजूदगी आवश्यक है, ना। तो इसलिए तो आप सबके चरणों में प्रार्थना है कि अपने इस अवसर को खोना नहीं है, खूब हृदय से मिल के आगे चलते हुए, बस यही आप सबके प्रार्थना है चरणों में, हरि शरण। अब अंगद जी से प्रार्थना, आप कुछ अपना और हरि शरण। देखो कितना सुंदर भैया ने अनुभव बताया, किसी का पर भैया एक बात बोलूं, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, आप लोग तो नहीं पूछते क्योंकि आप लोगों को तो मैं बताता हूँ, आप पूछते नहीं, आप लोगों को तो मैं बताता हूँ, कई लोग ऐसे पूछते हैं क्या भगवान मिलते हैं, तो मेरा सीधा उत्तर होता है हाँ भगवान मिलते हैं। भैया ने कहा अभी अपना अनुभव नहीं, मेरे को भैया ने एक बार बात कही थी, मैंने कहा भैया मेरे पास कोई अनुभव नहीं है फिर भी सत्संग बोलता हूँ क्या करूँ, बीच में मन खाली खाली सा लगता है। भैया ने कहा कि महापुरुषों के अनुभव को अपना अनुभव मान लो। तब से कोई भी मेरे से पूछता है ना भगवान मिलते हैं, हाँ मिलते हैं, सीना ठोक के बोलता हूँ, क्या तुम्हें मिले, मैंने कहा हाँ मिले, टेंशन मत लो तुम, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मिले हैं, क्यों नहीं मिले हैं भैया, हमारे भैया को मिले हैं, हमें पता है इस बात का, और एकदम खास पता है, एकदम निकट से पता है, मिले हैं तो मिले हैं भाई, तुम्हें चाहिए तो
रास्ता बता सकते हैं, मिल लो, है ना, मिल लो। तो महापुरुषों के अनुभव को, बाबूजी के अनुभव को अपना अनुभव मान लो, बात खत्म हो गई। बाबा के अनुभवों को अपना अनुभव मान लो, पूज्य भैया के अनुभवों को अपना अनुभव मान लो। तो हमारे पास तो अनुभवों की खान है, हैं, बाप है गुरु, तो अपने बाप के उत्तराधिकारी हैं भैया, सब कुछ मिला मिलाया है। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए महाराज सब। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आना। एक बार क्या हुआ प्रहलाद जी, अपने हरे राम बाबा उस समय उनके घर पे लाखों रुपया साल का उनके आए थे और एकदम संपन्न परिवार से थे, एकदम संपन्न परिवार से, सब कुछ व्यवस्था। उस समय जो अंग्रेजों के पास गाड़ियां हुआ करती थी वो उनके घरों में घूमती थी, ऐसी गाड़ी उनके पास थी, उनके घर पिताजी के पास। तो खूब आए थी, अच्छी खासी आए थी। बचपन का नाम उनका राम कुछ था ऐसे ही, रामदास तो उनके गुरुजी ने रखा था, फिर बाद में हरे राम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। सब कुछ व्यवस्था थी, सब चीज़ें अनुकूल महाराज, पैसा गाड़ी सब कुछ थी व्यवस्था। एक दिन क्या हुआ, एक संत आए और उन्होंने उनसे कहा कि मेरे को हनुमान जी का कुछ उनको पूजन करना था। उन्होंने सामग्री मंगाई, वो धनी थे तो उनसे मंगाई, तो उसके बाद उन्होंने किया, उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, उन्हें दर्शन दिया। और बालक थे रामदास जी, तो हनुमान जी ने पूछा कि भाई क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा मुझे तो कुछ खाने को दे दो। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, बाल स्वभाव, उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रसाद ला के दे दिया और खिलाया महाराज। उसके बाद से जब उनका जीवन बदला तो महाराज उनका विवाह भी करवाया उनके पिताजी ने। विवाह करवाने के बाद मन नहीं था विवाह करने का, लेकिन ज़बरदस्ती फिर करना पड़ा। उन्होंने कहा एक संतान हो जाएगी तो छोड़ के चला जाऊंगा। उनके एक पुत्र भी हो गया। उसके बाद ऐसी स्थिति बनी कि उनके पिताजी से किसी ने कर्जा लिया था, तो वो तकादा कर रहे थे, तकादा करते हुए तो उन्होंने हरे राम बाबा जी ने क्या किया, अपनी पत्नी के गहने दिवा के उनका कर्जा उतरवा दिया। तो पिताजी उनसे रुष्ट हो गए, दोनों में बाप बेटे में बनी नहीं ज़्यादा। जब नहीं बनी तो भैया हरे राम बाबा हाथ जोड़ के चल दिए, कह रहे अब खत्म हो गया खेल, अब चलना है यहाँ से। जब वो निकल गए भजन के लिए, अच्छा चटपटी बनी रहती थी उनके, विवाह भी हो गया था लेकिन चटपटी बनी रहती थी, भीतर भीतर कुछ कचोटता था उन्हें कि भजन करना है, भगवान से मिलना है। ऐसी स्थिति उनकी बनी हुई थी, सब चीज़ें अनुकूल मिल जाएं उसके बाद चटपटी ना रहे, विषयों में हम अंधे हो जाएं तो समझ लेना गड़बड़ है, अच्छा नहीं लगना चाहिए कुछ। अगर अच्छा लग रहा है ये संसार, हमें अच्छा लगना नहीं चाहिए, भीतर ही भीतर कचोटना चाहिए। सामने वाले को ना लगे कि हमें अच्छा लग नहीं लग रहा है, ये बाबूजी ने बात बोली, सामने वाले को पता नहीं लगना चाहिए। बाबा ने आस्तिकता की आधारशिला में बोला कि बने रहो ऊपर से निरे संसारी, पर भीतर का मानस पटल बदल डालो, एकदम से भीतर का सब कुछ बदल डालो। तो भैया हरे राम बाबा जी जब भजन में लग गए, सब कुछ घर बार छोड़कर चले गए, तो मैं एक घटना बता रहा था कि वहाँ फिर पूंछरी का लोटा में हरे राम बाबा मूर्छित मिले, किनको, पूज्य अपने भक्तमाली जी महाराज को मूर्छित मिले, तो उन्हें सहारा दे करके लक्ष्मी नारायण मंदिर में लेकर के आए। उसके बाद से दोनों लगभग 40 वर्ष तक साथ रहे और उसमें अनेकों घटनाएं उनके जीवन की, अद्भुत अद्भुत घटनाएं। एक घटना जो आज मैंने पढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। हरिदेव जी का मंदिर है तो वहां पे ठाकुर जी को भोग लग रहा था, ठाकुर जी को भोग लग रहा था तो हरे राम बाबा सामने थे, तो जब 56 भोग लगते हुए देखा
तो कहने लगे यार हम भूखे हैं, तू 56 भोग पा रहे, हमने सब कुछ अपना छोड़ा, बताओ घर बार इतनी बड़ी जायदाद थी, हमारे पिताजी इतना कमाते थे, हम सब कुछ छोड़ के आए और तू, हम भूखे हैं तू पा रहे यार 56 भोग। और महाराज उन्होंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया ठाकुर जी, सख्य भाव में थे, अपनी मस्ती रहती है महात्माओं की। अब पंडों ने पीट दिया, पंडों ने पिटाई कर दी, कह रहे ऐसे कैसे बोल रहे ठाकुर जी को, और खूब पीटा। उसके बाद हरदेव जी के मंदिर के सामने ही पड़े रहे वो और बोलते रहे, एक दो गस्सा देना तो दूर, पंडान तो पिटवाए दी, ये कोई बात होती है, ये कोई तरीका होता है। और ऐसे कहते कहते उन्हें थोड़ी सी निद्रा लगी, और जैसे ही थोड़ी सी निद्रा आई तो महाराज रात्रि में ठाकुर जी आए, ठाकुर जी उनके चरणों को सहला रहे, धीरे धीरे उनके चरणों को सहला रहे। जब सहला रहे तो उनकी गुदगुदी सी हुई, थोड़ी सी थोड़ी ठंडक सी भी लगी चरणों में, तो एकदम से जगे, देखा सामने ठाकुर जी, भैया मुंह फेर के बैठ गए हैं सारे, अब नहीं बोलूंगा, खुद तो 56 भोग पाए, हम पागल हैं, घर बार छोड़ के यहाँ भजन कर रहे हैं, हैं? पिताजी की इतनी संपत्ति थी, हैं? कोई मतलब है, अब यहाँ आके सहला रहे हैं, बताओ कोई बात होती है। और महाराज भोग की थाली लाए थे साथ में, और कहने लगे ठाकुर जी आंखों में आंसू भर के, यार तूने नहीं पाए हुए ना, यही मारे हमने भी नहीं पाए हुए। अब इतनी बात सुनी कि हमने नहीं पाए हुए, तो हरे राम बाबा जी रोने लग गए, यार तूने नहीं पाए हुए, यार ये क्या बात है, अच्छा चल संग बैठ के पाएंगे, अच्छा चल संग बैठ के पाएंगे। और महाराज एक को ठाकुर जी खिला रहे, एक को वो ठाकुर जी को खिला रहे, ऐसा अद्भुत दृश्य है महाराज। इन महात्माओं को पढ़ने मात्र से हृदय ऐसा प्रफुल्लित हो जाता है, कैसा भगवान से प्रगाढ़ संबंध है इनका, कैसी प्रीति है भगवान से इनकी। और उच्च कोटि के सिद्ध थे महाराज, उच्च कोटि के सिद्ध, भूतों को भी भूरामल जी वाली घटना है, अनेकों घटनाएं सबको सुनाई हुई है मैंने, एक घटना मुझे बहुत प्रिय है उनकी। एक बार एक यजमान जयपुर ले गया अपने घर, कहने लगा कि प्रसाद पवाएंगे महाराज जी आपको, तो उन्होंने कहा कि प्रसाद तो पाएंगे, चलो अच्छा संत को अपने घर पे लाना हाथी पालने जैसा है, सच बता रहा हूँ, वो बात बात पे टोकेंगे, हमारे अहंकार पे चोट लगेगी। हुआ था हमारे साथ मंदिर में एक बार ऐसा, बहुत पहले की घटना है, 2000 कितने की 10 की होगी मेरे ख्याल, 10-11 प्रहलाद जी आप आए नहीं थे शायद, उस आगे थे 10 में आ गए थे आप, मैं ही था तुम्हें लाने वाला, माला पहले मैंने ही दी थी, माला गुरु हूँ तुम्हारा पहली जब माला मैंने ही दी थी तुम्हें नहीं गुरु तो नहीं चेला ही हूँ तुम्हारा, श्री कृष्ण के तो हम चेले हैं भैया, पर ब्रज बिहारी का ठाकुर चेला है बिरजू श्री हरिदास एकदम खास। तो जजमान जी ने बुला लिया, जजमान जी ने कहा कि भाई महाराज जी आइए हमारे यहाँ प्रसाद पाइए। महाराज जी सुबह सुबह उठे, महाराज जी ने कहा हाँ क्या है बाल भोग में, क्या लोगे महाराज जी, महाराज जी ने कहा टमाटर, तोतला बोलते थे, तो कहा टमाटर लेंगे कहे महाराज जी कितने, कहे 5 किलो, कहे 5 किलो टमाटर। भाई वो गए, थोड़े श्रद्धावान थे, अच्छा श्रद्धा 2-3 दिन तो रहती है तो 5 किलो टमाटर लाए, 5 किलो टमाटर लाए, और महाराज जी टमाटर पा गए। अब आया दोपहर का समय, महाराज जी क्या लेंगे, टमाटर, टमाटर लाओ,
और 5 किलो टमाटर फिर लाए। अच्छा गांव में टमाटर खत्म हो गए शाम तक, 15 किलो टमाटर पूरा गांव। तो अगले दिन फिर महाराज जी क्या लेंगे, टमाटर। दोपहर में टमाटर, वही अगले दिन फिर टमाटर। अब भाई जिले में टमाटर की कमी होनी शुरू हो गई, वही टमाटर ही टमाटर खाएं। और जो जजमान था वो बड़ा परेशान हो गया, अरे यार टमाटर ही टमाटर पा रहे हैं। जब कहीं टमाटर नहीं मिले उन्हें अगले दिन, तो महाराज जी से बोला, महाराज जी टमाटर तो है नहीं, खत्म हो गए। सारे अभी तो सलाद चल लो तो प्रसाद पवाएगो, अभी तो सलाद चल रही थी, सलाद में छिक गया। तो भैया ऐसे संतों की सिद्धाई होती है, संतों का आसान नहीं है। एक घटना और सुना दो, समय तो हो रहा है, भैया आएंगे हैं, आ रहे भैया, ठीक है फिर तो। अब लो सीरियसली मुझे टमाटर, अभी तो सलाद चल रही थी क्या हुआ, दो पहलवान थे, थोड़ा संतों पे ही आते हैं, दो पहलवान थे। अक्सर जो जिम करने वाले बंदे होते हैं उनकी खपच्चियाँ निकल जाती हैं भैया, मतलब जब भी देखो कि आप कोई जिम करता होगा ना तो यूं चलता है, विंग्स आ जाते हैं बाहर, तो हाथ उनके पूरे टच नहीं हो पाते अपने से, तो विंग्स रहते हैं हमेशा, खुले पंख रहते हैं। और अगर कोई उन्हें छू दे यूं, तो जो उन्होंने बॉडी बनाई है उसके प्रदर्शन के लिए आतुर रहते हैं कि कोई टच कर दे तो बस मैं फिर शर्ट उतारूं और उसे पीटूं। तो ऐसे भैया, चलो जिम की बात याद आएगी तो एक दुख लपेटता हूँ, मुझे भैया आ गए महाराज। श्री राम जय राम।